छत्तीसगढ़ के दुर्ग भिलाई में स्कूल नहीं तो फीस भी नहीं का मुद्दा पुरजोर उठता नजर आ रहा है। जैसा कि मालूम है कि कोरोना महामारी को लेकर दुर्ग भिलाई में स्कूल बंद है, लेकिन अभिभावकों को बच्चों की स्कूल फीस फिर भी अदा करनी पड़ रही है, जिसके चलते अभिभावकों को आर्थिक बोझ पड़ रहा है। चूंकि कोरोना महामारी को लेकर काम धंधों की रफ्तार धीमी है, यानी लोगों की आमदनी कम हो चुकी है, ऐसे में अभिभावकों के लिए किसी भी प्रकार की स्कूल फीस, एडमिशन फीस व अन्य कोई फीस अदा करना किसी बड़ी मुसीबत से कम नहीं है। आपको बता दें कि हिंदू युवा छात्र मंच सैदाब छात्र हित में तत्पर रहा है, जिसके चलते कार्यकर्ताओं ने स्कूल फीस व अन्य व्यापक समस्याओं को लेकर आवाज बुलंद की है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी को 5 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन भी सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से बड़े सवालों को उठाया गया तथा स्कूलों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया गया है। ज्ञापन में कहा गया है कि जब स्कूल ही नहीं लग रहे तो एडमिशन किस बात का। छात्रों द्वारा घर पर ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए मोबाइल डेटा की जिम्मेवारी भी अभिभावकों के जिम्मे है। फिर बोर्ड कक्षाओं के रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर कई विद्यालयों द्वारा ज्यादा फीस क्यों वसूली जा रही है? यदि किसी कारण छात्र फीस जमा नहीं करवा पा रहा है तो छात्रों के साथ दुर्व्यवहार व छात्रों को शिक्षा से वंचित क्यों किया जा रहा है, जबकि अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के अनुसार किसी भी प्रवेशित छात्र को शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। इस भयावह महामारी से निर्मित स्थिति में छात्रों के अभिभावकों को फीस व पुस्तक कॉपियों के क्रय के लिए बाध्य क्यों किया जा रहा है? बताते चले कि सभी कार्यकर्ता व छात्रों के अभिभावक पुराना बस स्टैंड में एकत्रित हुए, जहां से नारेबाजी करते हुए रैली की शक्ल में एक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां अरुण सिंह व जिला संयोजक आलोक द्वारा उन्हें समस्त शिकायतों से अवगत करवाया गया। यहां उपस्थित अधिकारी द्वारा 10 दिनों के अंदर सभी शिकायतों के निकालन की बात भी कही गई, तब जाकर सभी कार्यकर्ताओं का गुस्सा शांत हुआ। इस अवसर पर संगठन प्रमुख गोविंद राज नायडू, श्री कुमार नायर मौजूद रहे। दुर्ग भिलाई से संवाददाता राजेंद्र गाड़े के साथ सुनील सोनी की रिपोर्ट। सरकार का मामला लेके आप एक लेटर आपने जिला शिक्षा अधिकारी पास पहुंचा था। छात्र मंच ने नो स्कूल नो फीस का एक अभियान चलाया था और उसी ज्ञापन को लेकर शिक्षा अधिकारी के पास गया थे और हम लोग ने ये बोले हैं कि जब स्कूल नहीं लग रहा है तो फीस किस बात की, स्कूल नहीं लग रहा है तो फिर एडमिशन किस बात की, स्कूल नहीं लग रहा है तो फिर और मतलब ट्यूशन फीस किस बात की, इसी और बहुत सी मांगों को लेकर शिक्षा अधिकारी के पास हिंदू छात्र मंच गया। उन्होंने आश्वासन भी दिए हैं कि 10 दिनों के अंदर हम इसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं करके, और नहीं कार्रवाई तो हिंदू छात्र मंच के कार्यालय से हल्लापुर के कार्यक्रम को विशाल रूप से लेके आएंगे। आगे किस प्रकार की और मांगे को लेकर आपने आप पूछेंगे और आपकी मांगे नहीं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.